तो फ्रेंड्स आज हम आपको यादव चौक से थोड़ा तिवारी चौक तक का सीन दिखाते हैं और हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से सारी अपडेट देते रहेंगे रोड की कंडीशन के बारे में। और आपको पार्ट वन पार्ट टू बैजनाथपुर का मिल ही चुका है और अभी हम यादव चौक से तिवारी चौक तक का सीन दिखाते हैं। थोड़ा यहाँ का सीन आप देख लीजिए, थोड़ा कैमरा पर्सन को कहते हैं थोड़ा कैमरा को मूव करें अपनी ओर और सीन दिखाते हैं। सीन देख सकते हैं मेरी ओर, वो थोड़ा फोकस करें। सो फ्रेंड्स थोड़ा इधर दिखाइए, कैमरा पर्सन थोड़ा इधर दिखाइए, इधर का भी सीन देख सकते हैं। सेवंथ जेवियर तक रोड बन चुकी है, थोड़ा आपने पार्ट वन पार्ट टू में जान लिया होगा। बढ़ते हैं आगे दिखाते। सो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं और एक शख्स हमें अभी मुलाकात हुई थी, वो सुभाष यादव जी थे। उन्होंने हमसे प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, सो उनका हम रिप्लाई दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन अपडेट हो रही है, देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन आप थोड़ा अच्छे से दिखाइए, ये देखिए अपडेट हो रही है और काम अभी चल रहा है। और ये डॉली पेट्रोल पंप हो गया, डॉली फ्यूल्स। और बढ़ते हैं आगे, यहाँ से अब कुछ दूरी पे, यहाँ तक तो ख़राब मिली रोड है और आगे से रोड हमें अच्छी मिली, यहाँ से रोड अच्छी मिली, यहाँ से रोड अच्छी मिली है और थोड़ी स्पीड भी हमारी बढ़ गई इसके साथ। ये देखिए यहाँ फिर रोड ख़राब हो चुकी है। आज ये आपको पूरा सीन दिखाएंगे, आपको कहाँ तक तो आपको हम वीआईपी रोड तक का सीन दिखाएंगे अपडेट। बस वीडियो लंबी बन जाएगी तो इसे आप परेशान मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बस्ती छूट गया, बस्ती का बोर्ड छूट गया, खैर कोई बात नहीं। सो अभी सुभाष यादव से बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत परेशानी होती है। सहरसा बस्ती का बोर्ड आप ले लीजिए सीन, सो फ्रेंड्स सहरसा बस्ती वाले भी रोड ख़राब है। अभी जो क्रॉस किए हैं, कैमरा पर्सन को कहेंगे कि सीधा सीन दिखाएं, कैमरा को कर्व नहीं करें, हमारे दर्शकों को परेशानी हो जाएगी, दर्शकों को परेशानी हो जाएगी। रेलवे ढाला तक हम कोशिश करेंगे इस सीन को आपको दिखाएं। तो तिवारी चौक पहुंचने वाले लोगों को आप देख सकते हैं, गाड़ी सब बहुत सारी है पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ कुछ देर के लिए आपको सीन दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम तिवारी चौक पहुँचे और तिवारी चौक का बोर्ड आप देख लीजिए यहाँ पे है तिवारी चौक। और ये रोड बन चुकी है जो आई है यादव चौक से, और मैंने देखा ये रोड बन चुका है। सो आपको दिखाते हैं, ये रोड अभी ब्लॉक है क्योंकि आगे तक रोड बन चुका है। चलिए आपको वहाँ तक का दिखाते हैं सिर्फ। थोड़ा हमें फोकस करें, आप धीरे से चलें, आइए।
ये सहरसा में बोर्ड सब जगह लग चुकी है। आपको अगर हमारी जब भी वीडियो आएगी वो आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी इस बोर्ड के बारे में। देख सकते हैं ये रोड बन चुकी है मेरे ख्याल से। ये रोड कहाँ तक बनी है अभी आगे? बस आरएम कॉलेज तक ही बनी है। सो फ्रेंड्स, अभी आरएम कॉलेज तक ही बनी है और एक शख्स थे उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि उधर हम नहीं गए हैं और अभी आए हैं, तो ये रोड ये बैरिकेटिंग की गई है क्योंकि लोग पर्सन मानते नहीं हैं ना, इसीलिए बैरिकेटिंग की गई है। सो फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।